चीन की मोबाइल निर्माता और टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा गहराता जा रहा है। ताजा नाम चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो इंडिया का है। शाओमी, वीवो और हुवावे के बाद ये चौथी कंपनी है जो भारतीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डेराई ने ओप्पो इंडिया की 4389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी की चोरी का पता लगाया है। डेराई के मुताबिक कंपनी ने आयात की गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी की है। हालांकि ओप्पो इंडिया ने इसे टैक्स चोरी मानने से इनकार करते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा है। ओप्पो मोबाइल चीन की ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन की सहयोगी कंपनी है। भारत में कंपनी ओप्पो, वन प्लस और रियलमी ब्रांड से फोन बेचती है। डीआरआई ने जांच के दौरान ओप्पो इंडिया के कई परिसरों और मैनेजमेंट के अधिकारियों के घर छापेमारी की थी। इस दौरान मोबाइल बनाने के आयातित सामान के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने के सबूत मिले थे। डीआरआई के मुताबिक गलत जानकारी देकर ओप्पो इंडिया ने 2981 करोड़ रुपए की शुल्क छूट का फायदा उठाया। ओप्पो की चुकाई गई रॉयल्टी और लाइसेंस फीस में कस्टम एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ। कंपनी इसे आयातित सामान के मूल्य में नहीं जोड़ रही थी। इसके जरिए कंपनी ने 1408 करोड़ रुपए की ड्यूटी की चोरी की। ऐसे में अब चीन की कंपनियों पर घपलेबाजी के लगातार लग रहे आरोपों से टैक्स सिस्टम से लेकर सिक्योरिटी तक कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल कंपनीज है, जैसे Xiaomi है आपका, Vivo कंपनी है आपकी, इन लोगों ने शेल कंपनीज जो है वो इंडिया में क्रिएट कर रखी थी। उन शेल कंपनीज में ये लोग अपने टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और अपने खर्चे बुक करते थे, जिसके कारण मोर देन 50% ऑफ देयर टर्नओवर जो है उन्होंने चाइना में वापस भेज दी, जिसके कारण सरकार को बहुत बड़ा एक प्रॉफिट लॉस जो है, दैट इज टैक्स जो है हमारा प्रॉफिट पे, उसका नुकसान हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी और रेवेन्यू लॉस की रिकवरी पूरी तरह से करेगी। इसके पहले जांच के घेरे में आई वीवो मोबाइल कंपनी को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ बैंक खाते ऑपरेट करने की मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वीवो ईडी के फ्रीज किए गए 119 बैंक खाते चलाना चाहती है तो उसे 950 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। साथ ही इन खातों में 251 करोड़ रुपए का बैलेंस हमेशा रखना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 5 जुलाई को वीवो और इससे जुड़ी 23 कंपनियों के देश भर में 48 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।